नमस्कार दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। आज टॉपिक है दोस्तों हमारा शीट मेटल, और शीट मेटल के अंदर भी टेक्निकल टर्म्स। इम्पोर्टेंस ऑफ शीट मेटल वर्क इन इंडस्ट्री। सबसे पहले इंडस्ट्री के अंदर शीट मेटल की क्या इम्पोर्टेंस है वो जानते हैं। मैनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स आर मेड आउट ऑफ शीट मेटल, मतलब इंजीनियरिंग के काफी सारे जो प्रोडक्ट हैं वो शीट मेटल से बनते हैं। द पर्सन हु वर्क्स ऑन मेटल शीट इज कॉल्ड शीट मेटल वर्कर, और जो शीट मेटल वर्क का काम करता है उस व्यक्ति को शीट मेटल वर्कर बोलते हैं। द स्किल्ड शीट मेटल वर्कर मेक एंड इंस्टॉल वेरियस काइंड्स ऑफ शीट मेटल प्रोडक्ट्स सच एज, जो एक स्किल्ड वर्कर होता है वो बना भी सकता है आइटमों को, और जो उनको इंस्टॉल भी कर सकता है, जैसे कि रूफिंग होगी, डक्टिंग हो गया, व्हीकल्स, बॉडी बिल्डिंग्स लाइक थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, शिप्स, एयरक्राफ्ट, ईटीसी, फर्नीचर वगैरह में, हाउस होल्ड्स आर्टिकल्स वगैरह बनते हैं, रेलवे इक्विपमेंट, आल्सो रिपेयरिंग ऑफ द अबव आइटम्स। और इनको बना इन आइटमों को बनाने का काम भी और इनको रिपेयर करने का काम, दोनों जो होते हैं वो होते हैं शीट मेटल वर्कर के। टू कैरी आउट दीज वर्क्स द शीट मेटल वर्कर हैज टू प्लान लेआउट एंड डिटरमाइन द साइज एंड द टाइप ऑफ द शीट मेटल टू बी यूज। अब प्लान करने से मतलब कोई भी चीज बनाने से पहले सबसे पहले उसको प्लान करना पड़ता है शीट मेटल वर्कर को, कि क्या बनाना है, क्या साइज लेना है, कैसे बनाना है। द सीट मेटल वर्कर कैरीज आउट द ऑपरेशन सच मैनुअली एंड बाई मीन्स ऑफ पावर मशीन्स। अब जो सीट मेटल वर्कर जो होता है, जो काम करता है, वो हाथ से चलने वाली मशीन मैनुअली भी यूज कर लेता है, और जो है बिजली से चलने वाली यानी कि पावर ऑपरेटेड भी यूज करता है। द अबव रिक्वायरमेंट नीड्स पावर ट्रेनिंग एंड टू नो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस एंड प्रोसेस। अब इसके प्रोसेस है, इसकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स है इसके जा रहे बारे में जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ऑल द एडवांस टेक्नोलॉजीज आर डेवलप्ड फ्रॉम बेसिक प्रिंसिपल्स ओनली, जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है वो सब बेसिक प्रिंसिपल से तैयार हुई हैं। द एडवांस टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट फॉर प्रोडक्शन, जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है प्रोडक्शन के लिए होती है। कंसिस्टेंस इन एक्यूरेसी ऑफ प्रोडक्ट एंड द वॉल्यूम ऑफ नीड्स, मतलब जितनी हमको एक्यूरेसी चाहिए एक्यूरेसी के हिसाब से। ये दोस्तों हाउस होल्ड आइटम्स हैं, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट के अंदर क्या क्या बनता है, स्टील का फर्नीचर हो गया इधर आपका, ये बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, ये शिप बिल्डर्स हो गए, रेलवे इक्विपमेंट्स हो गए, ऑटोमोबाइल, ये सब आपके क्या हैं, शीट मेटल से बने हुए आइटम है दोस्तों। अब टेक्निकल टर्म इन द शीट मेटल वर्क, टेक्निकल टर्म्स कौन सी है, जैसे कि बीडिंग, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग ए स्ट्रिप ऑफ मेटल अराउंड द एंड ऑफ द राउंड पीस। जो राउंड पीस का जो एंड होता है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा देने की स्ट्रिप उठा देना, उसको बोलते हैं बीडिंग। बेंच मशीन, मशीन्स क्लैंप टू ए बेंच एंड ऑपरेटेड बाई यूज टर्निंग ए क्लैंक यूज बाई द शीट मेटल वर्कर टू टर्न एजिज ऑन सर्कल्स एंड राउंड पाइप्स। ये जो बेंच मशीन्स होती है सर्कल्स और राउंड पाइप्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। बेंच टेक्स है स्टील एनविल ऑफ वेरियस स्पेशलाइज शेप्स एंड द शीट मेटल वर्कर यूज फॉर फॉर्म एंड सीम सेट सीम शीट मेटल ऑब्जेक्ट। जो सीम वगैरह बनाने के लिए शीट मेटल वर्क में इसका इस्तेमाल करते हैं, इनका बेंच स्टेक्स का। ब्लैक आयरन, आयरन एंड स्टील सीट्स कवर्ड विद एन ऑक्सीडाइजिंग कोटिंग ओनली, मतलब वो सीट जो ऑक्सीडाइज है कोटिंग कर रखी है जिसके ऊपर, वो उसको हम ब्लैक आयरन बोलते हैं। उसके बाद ब्रेजिंग, द प्रोसेस ऑफ स्क्रैचिंग ए पीस ऑफ मेटल बाई हिटिंग इट विद ए राउंड हैमर एज इन फॉर्मिंग ए बाउल। जैसे आप कटोरा बनाते हैं इस तरह से जो है उसको जो है मेटल को पीट पीट कर शेप देना। ब्रेक, ब्रेक क्या होता है, ए मशीन दैट द सीट मेटल वर्कर यूज फॉर बेंडिंग एंड फोल्डिंग एजेस ऑन मेटल। जो सीट मेटल मेटल की जो सीट होती है उनको बेंडिंग वगैरह करने के लिए, फोल्ड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बरिंग, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एन एज ऑन ए सर्कुलर पीस ऑफ मेटल, एक सर्कुलर पीस पर टर्निंग करना एज को जो है उसकी को,
बर्निंग कहलाता है, बरिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्लिप्स, स्पेशल स्ट्रिप्स ऑफ सीड्स, ये सीड्स की स्पेशल स्ट्रिप्स होती हैं मेटल की, बेंट इन ए मैनर टू कनेक्ट टू पीसीज ऑफ सीट मेटल डक्ट, दो सीट मेटल की डक्ट को आपस में एक साथ जोड़ने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्रिम्पिंग, द प्रोसेस ऑफ कोरुगेटिंग द एंड ऑफ राउंड पाइप टू मेक इट स्मॉलर सो इट विल फिल इन टू द एंड ऑफ द एनदर पाइप। जो कोरुगेटिंग के अंदर क्या होता है, जो पाइप के जो राउंड पाइप है उसके उसको जो डाया को जो थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि वो दूसरे पाइप के अंदर जो है वो फिट बैठ जाए। कट एसिड, जिंक क्लोराइड मेड बाई पुटिंग स्ट्रिप्स ऑफ जिंक इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जिंक क्लोराइड की स्ट्रिप्स रख के उसको तैयार करते हैं। एजिस, बैंड्स ऑन द एजिस ऑफ सीट मेटल टू इलिमिनेट शार्प एजिस एंड प्रोवाइड स्टिफनिंग, शार्प एजिस ना रहे ताकि किसी के चोट ना लगे, इसलिए उसको जो है एजिस को भी जो है स्टिफनिंग कर देते हैं। एम्बॉसिंग, ए स्टैम्पिंग प्रोसेस दैट प्रोड्यूस ए स्वेलो रिलीफ डिजाइन ऑन सीट मेटल, जो सीट मेटल पर जो है कोई डिजाइन वगैरह बनाना होता है। फ्लक्स, केमिकल यूज टू क्लीन मेटल, ये केमिकल के लिए यूज होता है मेटल को क्लीन करने के लिए। एंड रिमूव द ऑक्साइड्स फ्रॉम द मेटल सरफेस प्रायर टू सोल्डरिंग, सोल्डरिंग करने से पहले जो मेटल की सरफेस पर जो ऑक्साइड्स जम जाते हैं उसको साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है फॉर्मिंग, दिस प्रोसेस ऑफ रोलिंग सीट मेटल इन टू पाइप और मेकिंग बैंड्स टू फोल्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट्स, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो सीट जो होती है हमारी उसको रोल के रूप में इसको हम तैयार कर लेते हैं, रोल बना लेते हैं और फिर जिस हिसाब से जो भी ऑब्जेक्ट तैयार करनी होती है वो बना लेते हैं। गेज, द सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग द थिकनेस इन विच सीट मेटल इज प्रोड्यूस, मतलब जो वो सिस्टम उसके अंदर जो मतलब किस कितनी मोटाई की वो सीट जो है बनी है उसके बारे में पता करता है, इससे पता चलता है। ऑल्सो टूल यूज फॉर मेजरिंग एंड डिटरमाइनिंग द थिकनेस ऑफ ए मेटल सीट, और सीट मेटल की थिकनेस को जो है नापने के लिए डिटरमाइन करने के लिए कि कितनी थिकनेस है उसी का इस्तेमाल करते हैं। हेम क्या होता है, ए फोल्डेड एज ऑन ए सीट मेटल ऑब्जेक्ट, सीट मेटल ऑब्जेक्ट पर जो हम फोल्ड लगा देते हैं साइड में उसको हम क्या बोलते हैं, जो ए फोल्डेड एज, फोल्डेड एज होती है एक प्रकार की है जो साइडों में लगा देते हैं जहाँ पर मतलब ताकि सार पेज ना रहे। लेआउट वर्क, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द पैटर्न फॉर ए सीट मेटल ऑब्जेक्ट, सीट मेटल ऑब्जेक्ट के लिए पैटर्न को डेवलप करना प्रोसेस करना इसका क्या प्रोसेस होता है। नेक्स्ट दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल सीम, ए सीम रनिंग द लॉन्ग लेंथ ऑफ ए पाइप, मतलब एक पाइप की लॉन्ग लेंथ तक उसको सीम कर देना, काफी लेंथ वाइज है जैसे मीटर, टू जॉइनिंग ऑफ टू पीसेस एट एन इवनली डिवाइडेड एंगल, मतलब बराबर इक्वल एंगल पर जो है डिवाइड एंगल पर डिवाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। निब्बल, निब्बल टू पीस मेटल अलोंग और ऑन इट्स एज, मतलब ये जो है जो भी हमारा मेटल है उसके आसपास जो है ये एज पर जो है पीस को, निबल टू पीस मेटल अलोंग और ऑन इट्स एज, मेटल को पीस कर देता है, पीस बना देता है। निबल के काम होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, अब मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ए केमिकल फॉर्म्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द एयर विद द मेटल आयरन रस्ट इन आयरन ऑक्साइड। यदि हम खुले में लोहे को छोड़ देते हैं तो उस पर एक भूरे भूरे से कलर की एक परत चढ़ जाती है जो उसके ऊपर क्या कहलाता है, रस्ट कहलाता है, जिसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट पैरेलल लाइन डेवलपमेंट, ए मेथड ऑफ पैटर्न ड्राफ्टिंग एम्प्लॉइंग पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस मेथड है कि डेवलपिंग करने के लिए। पैटर्न, द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी मेड आउट ऑफ सीट मेटल एज इट अपीयर्स व्हेन मार्क्ड आउट ऑन द फ्लैट सीट, ऑल्सो द एग्जैक्ट साइज एंड द शेप दैट ए पीस ऑफ सीट मेटल मस्ट बी इन ऑर्डर टू बी फॉर्म्ड इन टू द ऑब्जेक्ट डिजायर्ड। पैटर्न क्या मतलब, जो भी हमको ऑब्जेक्ट बनानी है सबसे पहले जो है उस साइज का जो है एक पैटर्न तैयार कर लेते हैं। पिकल, द क्लीन दर्ट एंड टू क्लीन दर्ट, मिट्टी उट्टी को साफ करने के लिए, एंड ऑक्साइड फ्रॉम मेटल टू एमर्जिंग इन इट एंड
एसिड बाथ, मतलब मेटल को इसके अंदर डाल देते हैं कि एसिड बाथ करा देते हैं, तो उसके ऊपर से जो है ये डर्ट वगैरह जमी हुई साफ हो जाती है, ऑक्साइड्स वगैरह। पिक्चोरियल ड्राइंग्स, ए पिक्चोरियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द थ्री डायमेंशनल एज इट इज एक्चुअली अपीयर्स आफ्टर बीइंग फॉर्मड इन टू शेप। जब शेप में बनने के बाद एक्चुअली जो ड्राइंग दिखाई होती है वो उसकी पिक्चोरियल ड्राइंग होती है। पर टू कट आउट इंटीरियर वेस्ट स्ट्रोक फ्रॉम ए मेटल पार्ट विद ए डाई, डाई के थ्रू मेटल पार्ट से जो है एक स्ट्रोक तैयार करना इसके अंदर आता है। प्लेनिस, टू मेक ए मेटल सरफेस स्मूथ बाई हैमरिंग इट ओवर ए स्टेक और ब्लॉक, स्टेक या ब्लॉक के ऊपर रख के इसको हैमरिंग करके शेप देना मेटल को। प्रेस ब्रेक, ए पावर मशीन यूज बाई द सीट मेटल वर्कर टू फॉर्म सीट मेटल। ये कि प्रेस ब्रेक जो होती है पावर मशीन होती है जिसको जिसको कि सीट मेटल वर्कर इस्तेमाल करता है। प्रेस फॉर्मिंग, क्रिएटिंग सीट मेटल प्रोडक्ट्स यूजिंग डाई टू कट एंड शेप द मेटल एंड प्रेस टू पावर द डाइज, मतलब डाई के जरिए जो है एक ही प्रकार के एक ही जैसे जो है पीस तैयार करना, ऑल्सो कॉल्ड स्टैम्पिंग, इसको स्टैम्पिंग भी बोल देते हैं। प्राइमर, ए फर्स्ट कोट ऑफ फिनिश ऑन ए मेटल, मेटल पर जो पहला हमने कोट करा कोई पहला फिनिश उसको हम प्राइमर बोलते हैं। इट बाइंड्स द एडर टू द मेटल गिविंग गुड बेस फॉर लेटर कोट्स। इससे क्या होता है कि उससे जो जो हम बाद में उस पर जो पेंट करेंगे या कुछ भी जो सरफेस तैयार करेंगे उसके लिए एक अच्छा मतलब बेस मिल जाता है। पंचिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग होल्स इन सीट मेटल बाई द यूज ऑफ डाइज, डाइज के जरिए सीट में छेद वगैरह करने के लिए होल वगैरह करने के लिए पंचिंग का इस्तेमाल करते हैं। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों, एक नंबर में पूछ लेते हैं व्हाट डू मीन बाई PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। PVC जो है जो हमारे तारों के ऊपर चढ़ी हुई होती है। ए प्लास्टिक ऑफन आस्क फॉर हुड्स एंड टैंक्स दैट रिक्वायर हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, जहाँ पर हाई कोरोजन रेजिस्टेंस टैंक्स की जरूरत पड़ती है उस कंडीशन में हुड्स वगैरह या टैंक्स वगैरह बनाने के लिए हम PVC का इस्तेमाल करते हैं। रेडियल लाइन डेवलपमेंट, ए मेथड ऑफ पैटर्न ड्राफ्टिंग यूजिंग लाइन रेडियली रेडिएटिंग फ्रॉम ए सेंटर एंड यूजिंग आर्क्स, मतलब सेंटर से एक जो है कुछ आर्क्स लगा करके उसको शेप देना या उसका डेवलपमेंट दिखाना। रॉ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो होता है वो यूज होता है। रिविट्स, फास्टनर्स होते हैं यूज फॉर जॉइनिंग टू पीसीज ऑफ सीट मेटल टुगेदर, सीट मेटल के दो पीसीज को एक साथ जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। द रिविट इज इंसर्टेड इन ए होल एंड ए हेड इज फॉर्म्ड बाई पाउंडिंग द रिविट होल अबोव। तो दोस्तों ये आपका थोड़ा छोटा रह गया, आ नहीं पाई उसका थोड़ा देख लेना, ये आपका कहाँ चल रहे थे, ये PVC के बाद दोस्तों अब आपका आता है सीम वगैरह। Various types of bent and hooked edges used to join two pieces of sheet metals. Sheet metal के दो pieces को hinge को जोड़ने के लिए for lighter sheet metal के लिए जो हल्की फुल्की sheet होती हैं mechanical joints are used. Mechanical joints use होते हैं। In medium and heavy gauge metal, a riveted or welded seam is used. Riveted or welded seam का use करते हैं। Seam welding क्या होता है? A kind of resistance welding in which रोलर्स आर यूज इंस्टीड ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ये एक प्रकार की आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग ही होती है जिसमें आपको इलेक्ट्रोड्स की जगह हम किसका यूज करते हैं, रोलर्स का इस्तेमाल करते हैं। सीट मेटल, एनी टाइप ऑफ मेटल सीट दैट आर 1/8 inch थिक और लेस, मतलब जो 1/8 inch थिक हो या कम हो, 1/8 inch का मतलब होता है आपका एक सूत। सीट मेटल स्क्रूज, स्पेशल स्क्रूज यूज फॉर जॉइनिंग सीट मेटल ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ टैपिंग बिकॉज द स्क्रूज टैप देयर ओवन थ्रेड्स इन द ड्रिल्ड होल। ड्रिल्ड होल के अंदर जो पेच होते हैं ये स्क्रू होते हैं अपने, क्योंकि उन पे चूड़ियाँ होती हैं तो वो आसानी से कस जाते हैं इसके अंदर। ओवरलैपिंग पार्ट्स क्या होता है, रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स
हीट प्रोड्यूसिंग द वेल्ड होता है। स्क्वायर टू राउंड द नेम ऑफ कॉमन सीट मेटल फिटिंग दैट इज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ऑन वन एंड एंड अदर राउंड ऑन द अदर एंड, मतलब एक एंड पर राउंड दूसरे एंड पर रेक्टेंगुलर कैसी होगी, ये शेप बनती है। स्टेनलेस स्टील क्या होता है दोस्तों, ए स्पेशल स्टील कंटेनिंग अदर टाइप्स ऑफ मेटल सच एज क्रोमियम निकिल एंड मॉलिब्डेनम, यानी कि आयरन के साथ साथ उसके अंदर जो है निकिल मॉलिब्डेनम या क्रोमियम मिलाकर के जो बनाया जाता है वो स्टेनलेस स्टील होता है। दे आर मैनी टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, ऑल ऑफ देम वेरी इन कोरोजन रेजिस्टेंस। ये जो स्टेनलेस स्टील जो होती है ये कोरोजन रेजिस्टेंस होती है। नेक्स्ट स्वेज ए स्पेशल फोर्जिंग टूल यूज फॉर स्मूथनिंग एंड फिनिशिंग, फिनिशिंग और स्मूथनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टूल है ये। स्वीट सोल्डरिंग द प्रोसेस ऑफ सोल्डरिंग टू पीसेस ऑफ मेटल टूगेदर बाई मेकिंग द सोल्डर स्वीट कंप्लीटली थ्रू द सीम, सीम के थ्रू कंप्लीटली स्वीट करके जो है उसमें सोल्डरिंग की जाती है। टिनिंग कवरिंग एन एरिया ऑफ मेटल विद मोल्टन सोल्डर, पिघले हुए सोल्डर से जो है मेटल के आसपास के एरिया को कवर कर देना। ट्रांजिशन पीस ए सीट मेटल फिटिंग दैट चेंजेज साइज और शेप फ्रॉम वन एंड टू द अदर, एक एंड से दूसरे एंड पे जो है ट्रांजिशन पीस होते हैं, मतलब एक एंड पे कुछ साइज और दूसरे एंड पे कुछ और तरीके से बना हुआ है। ट्रायंगुलेशन ए मेथड ऑफ पैटर्न ड्राफ्टिंग एम्प्लॉइंग इन द यूज ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। वायर एज क्या होती है, ए सीट मेटल एज, सीट मेटल एज फोल्डेड अराउंड ए पीस ऑफ वायर फॉर एडेड स्ट्रेंथ, इसके चार तरफ मतलब एक वायर लगा देते हैं उसके चार तरफ फोल्डिंग करते हैं ताकि उसको मजबूती मिल जाए। नेक्स्ट दोस्तों मेटल सीट एंड देयर यूजेज, अब जो सीट मेटल्स होती हैं उनके यूजेज क्या हैं। इन सीट मेटल वर्क्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल सीट्स आर यूज, बहुत सारी सीट्स मेटल का इस्तेमाल करते हैं। द सीट्स आर स्पेसिफाइड बाय देयर स्टैंडर्ड गेज नंबर, स्टैंडर्ड गेज नंबर से जानी जाती हैं। इट इज वेरी एसेंशियल टू नो द डिफरेंस यूज ऑफ एप्लीकेशंस दोज मेटल सीट्स, तो इसलिए हमको जो है यूज करने से पहले इनके इसके यूजेस क्या हैं या एप्लीकेशंस क्या हैं हमको पता होना चाहिए। ब्लैक आयरन सीट कौन सी होती है, द चीपेस्ट सीट मेटल इज द ब्लैक आयरन, सबसे सस्ता जो आयरन होता है वो ब्लैक आयरन होता है। विच इज रोल्ड टू द डिजायर्ड थिकनेस, जिसको हम अपनी मोटाई तक रोल कर सकते हैं एक इच्छा तक। द सीट्स आर रोल्ड इन टू कंडीशन, दो कंडीशन में रोल करते हैं। वेन इट इज रोल्ड इन कोल्ड स्टेट इट इज कॉल्ड कोल्ड रोलिंग एंड वेन इट इज रोल्ड इन हॉट स्टेट इट इज कॉल्ड हॉट रोलिंग, यदि इनको ठंडी अवस्था में ऐसे रोल कर देते हैं तो कोल्ड रोलिंग कहलाती है और यदि गर्म करके उनको फोल्ड कर देते हैं रोलिंग कर देते हैं तो उसको जो है हॉट रोलिंग बोल देते हैं। हॉट रोल्ड सीट्स हैव ए ब्लूइश ब्लैक अपीयरेंस, जो हॉट रोल्ड होती है उसका जो कलर होता है ब्लूइश ब्लैक अपीयरेंस होती है एंड आर ऑफन रेफर टू एज अनकोटेड सीट, और अनकोटेड सीट की तरह रेफर करते हैं उसको, सिंस दे आर अनकोटेड, क्योंकि वो अनकोटेड होती हैं। दे कोरोड्स रैपिडली और इसलिए उन पर बहुत जल्दी जंग लग जाता है। कोल्ड रोल्ड सीट्स हैव प्लेन सिल्वर वाइटिश अपीयरेंस एंड अनकोटेड, जो ये होती हैं इन पे जो है अनकोटेड भी होती हैं और वाइटिश अपीयरेंस होती है इसकी। द डिक्रीज ऑफ द वर्क हार्डनेस द कोल्ड रोल्ड सीट्स आर एनील्ड इन ए क्लोज्ड एटमोसफेयर, एक क्लोज एटमोसफेयर इनको एनील्ड किया जाता है। एनील्ड आगे बताएंगे दोस्तों क्या होता है। दीज सीट्स आर नोन एज CRCA, यानी कि कोल्ड रोल्ड क्लोज्ड एनील्ड सीट्स होती हैं। दीज यूज ऑफ दिस मेटल इज लिमिटेड इन बेकिंग आर्टिकल्स दैट आर टू बी पेंटेड और इनेमल्ड सच एज टैंक्स पैंस स्टोव्स पाइप इटीसी, स्टोव पाइप या पैन कढ़ाइयाँ वगैरह टैंक वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट होता है गैल्वनाइज्ड आयरन सीट्स, GI सीट बड़ा होगा आपने। जिंक कोटेड आयरन इज नोन एज गैल्वनाइज्ड आयरन, जो जिंक से बनी हुई होती है उसको गैल्वनाइज्ड आयरन बोलते हैं। दिस सॉफ्ट आयरन सीट इज पॉपुलरली नोन एज GI सीट, इसी को हम GI सीट बोल देते हैं। द जिंक कोटिंग रेसिस्ट कोरोजन एंड इम्प्रूव द अपियरेंस ऑफ द मेटल एंड परमिट इट टू बी सोल्डर्ड विद ग्रेट ईज, यानी कि आसानी से सोल्डरिंग हो जाती है, अपियरेंस इसकी बढ़िया होती है और कोरोजन को रेसिस्ट करती है बिकॉज इट इज कोटेड विद जिंक गैल्वनाइज्ड आयरन।
क्योंकि जिंक को जिंक गैल्वेनाइज आयरन की कोटिंग के साथ इसको तैयार किया जाता है सीट को। विदिस्टेंस कॉन्टेक्ट विद वाटर एंड एक्सपोजर टू वेदर, इस पर जो है मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आर्टिकल सच एज पैंस, कढ़ाइयाँ होगी, बकेट्स, बाल्टियाँ होगी, फर्नेसिस होगी हमारी, हीटिंग डक्ट्स होगी, कैबिनेट्स, गटर्स, ईटीसी आर मेड मैनली फ्रॉम जीआई सीट्स। नेक्स्ट है स्टेनलेस सीट्स। स्टेनलेस सीट्स क्या होती है? दिस इज एन एलॉय ऑफ स्टील एंड निकिल। ये स्टील और निकिल का एलॉय, निकिल क्रोमियम का एलॉय होता है एंड अदर मेटल और भी हो सकते हैं। इट हैज गुड कोरोजिव रेजिस्टेंस, इस पर जंग नहीं लगता है एंड कैन बी वेल्डेड इजीली, आसानी से जो है वेल्ड हो जाता है। स्टेनलेस स्टील यूज इन ए सीट मेटल शॉप कैन बी वर्कड सिमिलर टू गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट बट इट इज टफर देन जीआई सीट्स। जीआई सीट के साथ काम करने के लिए हिसाब से देखे जाए तो थोड़ी भारी होती है। द कॉस्ट ऑफ स्टेनलेस स्टील इज वेरी हाई, इसकी जो कॉस्ट होती है ज्यादा होती है। स्टेनलेस स्टील इज यूज इन डेयरीज, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल प्लांट्स, किचन वेयर ईटीसी। इसका डेयरीज के अंदर, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स के अंदर और जो आपके जो किचन वगैरह हैं इनके अंदर हम जो है स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का ही इस्तेमाल करते हैं। मेटल सीट्स एंड देयर यूजेज, ये अभी हमने दोस्तों पढ़ा था आपके सामने। अब स्टेनलेस सीट्स का कॉपर सीट्स। कॉपर सीट्स आर अवेलेबल आइदर एज कोल्ड रोल्ड और हॉट रोल्ड। ये भी हॉट रोल्ड या कोल्ड रोल्ड होती हैं। दे हैव ए वेरी गुड रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड कैन बी वर्क इजीली, इन पे भी जो है जंग नहीं लगता और आसानी से काम कर सकते हैं। दे आर कॉमनली यूज इन सीट मेटल वर्क, सब ज्यादा सीट मेटल शॉप के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। कॉपर सीट्स हैज बेटर अपीयरेंस देन अदर मेटल्स, और दूसरे मेटल के मुकाबले जिनकी अपीयरेंस होती है बहुत अच्छी होती है। गटर्स, एक्सपेंशन जॉइंट्स जो बनते हैं, रूफ फ्लैशिंग बनती है इससे, हुड्स, यूटेंसिल्स एंड बॉयलर प्लेट्स आर सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल्स वेयर कॉपर सीट्स आर यूज। तो इन कंडीशन में हम कॉपर सीट का इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम सीट्स का कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एल्यूमिनियम कैन नॉट बी यूज इन इट्स प्योर फॉर्म, ये प्योर फॉर्म में एल्यूमिनियम यूज नहीं हो सकती, बट इट इज मिक्सड विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड आयरन। यदि इसके साथ जो है कॉपर, सिलिकॉन, मैग्नीज और आयरन वगैरह मिला दी जाए, एल्यूमिनियम सीट्स आर वाइटिश इन कलर, सफेद कलर की ऐसी होती है एंड लाइट इन वेट, हल्की होती है। दे आर हाईली रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड एब्जॉर्प्शन, इन पे जो है जंग नहीं लगता आसानी से। एल्यूमिनियम इज नाउ वाइडली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिकल सच एज हाउस होल्ड अप्लायंसेस, हाउस होल्ड में ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका, रेफ्रिजरेटर, ट्रेज वगैरह बनाने के लिए, लाइटिंग फिक्स्चर्स, विंडोज एंड ऑल्सो इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरप्लेन्स एंड इन मैनी इलेक्ट्रिकल एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज के अंदर दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। टिंड प्लेट, टिंड प्लेट इज सीट आयरन कोटेड विद टिन, ये सीट आयरन को जो कोटेड कर देते हैं टिन के साथ टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट रस्ट, ताकि इस पर जंग ना लगे। दिस इज यूज फॉर नियरली ऑल शोल्डर वर्क एज इट इज द इजिएस्ट मेटल टू ज्वाइन बाई शोल्डरिंग, ये आसानी से इसको शोल्डरिंग के जरिए जोड़ा जा सकता है। दिस मेटल हैज ए वेरी ब्राइट सिल्वरी अपीयरेंस, सिल्वरी कलर की इसकी अपीयरेंस होती है ब्राइट चमकीली, एंड इज यूज इन मेकिंग रूफ्स, फूड कंटेनर्स, डेयरी इक्विपमेंट्स, फर्नेसिस, फिटिंग कैंस एंड पैंस, कढ़ाई और कैन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेड सीट्स, लेड इज वेरी सॉफ्ट एंड हैवी इन वेट, लेड जो होता है सॉफ्ट होता है लेकिन वेट में बहुत भारी होता है। लेड सीट्स आर यूज फॉर मेकिंग द हाईली कोरोजिव एसिड टैंक्स, जो ज्यादा कोरोजिव एसिड टैंक्स होते हैं उनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। व्हेन लेड इज कोटेड ऑन ब्लैक आयरन सीट्स, जब इसको ब्लैक आयरन सीट पर कोट करते हैं, दे आर कॉल्ड टर्ने, टर्ने सीट बोलते हैं। दे आर हाईली एंटी कोरोजिव एंड कॉमनली यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ केमिकल्स, मतलब इसमें आसानी से जो है किसी भी केमिकल को इनके अंदर प्रिजर्व किया जा सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।